नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मौसम बात करने वाले हैं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंडूर कारम की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म गुंडूर कारम की, तो फिल्म को 12th ऑफ जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म के आज सिनेमाघरों में 21 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म अपने थर्ड वीक को कम्प्लीट कर चुकी है। दोस्तों फिल्म गुंडूर कारम ने जहाँ अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 95 करोड़ की बंपर कमाई कर साल 2023 की अभी तक की बिगेस्ट ओपनर बनकर साबित हुई है, तो वही फिल्म गुंडूर कारम के आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की बात कर ले तो फिल्म गुंडूर कारम ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 65 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म गुंडूर कारम का फ्रॉम डे 21 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 274.65 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहाँ फिल्म का अपना स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 194.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है और फिल्म अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े के नजदीक है। फिल्म गुंडूर कारम के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। महेश बाबू के फैन है और आपने इस फिल्म को मिस किया तो नजदीकी थिएटर में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं धनुष एंड शिवा राजकुमार स्टार फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की, तो फिल्म कैप्टन मिलर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर रही। इसी के साथ फिल्म कैप्टन मिलर का फ्रॉम डे 21 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 128.20 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 110 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं फिल्म केरला से 5 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म कैप्टन मिलर के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। फिल्म कैप्टन मिलर में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों फिल्म में धनुष ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म में शिवा राजकुमार और संदीप किशन कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म कैप्टन मिलर को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे 2024 की सुपर हीरो फिल्म हनुमान के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 21 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे तेलुगु स्टार तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान के कलेक्शन की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 21 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म अपने थर्ड वीक को कम्प्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म के डे 21 कलेक्शन की, तो फिल्म हनुमान ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 2.50 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म हनुमान का फ्रॉम डे 21 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 287.25 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 178.21 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का हिंदी वर्जन से 56.25 करोड़ की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों बता दूं कि फिल्म फिलहाल अपने बजट के मुकाबले वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। फिल्म हनुमान को अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक साल 2024 की बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं, नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं शिवा कार्तिकेयन एंड कुलप्रीत सिंह स्टार फिल्म आयरलैंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फैमिली एंटरटेनर फिल्म आयरलैंड के कलेक्शन की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 21 डेज कम्प्लीट हो चुका है, फिल्म अपने थर्ड वीक को कम्प्लीट कर चुकी है। फिल्म के डे 21 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म आयरलैंड ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के अंदर 75 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म आयरलैंड का फ्रॉम डे 21 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 103.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। फिल्म आयरलैंड को दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करेगा और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करेगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।